हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू आई होप यू आर ऑल बेटर सो स्टूडेंट टुडे सब्जेक्ट ची के आवर पोर्शन इज़ कंप्लीटेड सो टुडे वी आर गोइंग टू डू रिवीजन वर्कशीट ओके आर यू रेडी यस फर्स्ट क्वेश्चन क्रॉस आउट द इनक्रैक्ट आंसर मीन्स यहाँ पे जो इनक्रेक्ट आंसर हैं जो सही नहीं है उनको हमें क्रॉस करना है जो राइट है उनको कुछ भी नहीं करना है ओके फर्स्ट ए किंग फिशर लाइक्स टू ईट ए किंग फिशर लाइक्स टू ईट मीन्स जो किंग फिशर है उसको क्या खाना पसंद है ऑप्शन दिया है फ्रॉग बी दिया है फिश ओके सो फिश इज करेक्ट और फ्रॉग इज रॉन्ग सेकेंड विच पार्ट ऑफ द प्लान्ट मेक फूड फॉर द प्लांट विच पार्ट ऑफ द प्लान्ट मेक फूड फॉर द प्लांट्स प्लान्ट कौन सा पार्ट है जिससे फूड बनता है ए द रूट बी द लीव्स सो रूट जो है जैसे कि हमने देखो पटेटो का प्लांट होता है तो उसके आ, जो रूट हैं वो पोटैटो होते हैं ज़मीन के नीचे रहते हैं ऐसे ही कैरेट है रेडिश है ये रूट्स हैं ये क्या है फूड है तो लीव्स इज क्रॉस इन करेक्ट करेंगे इसको थर्ड नेम द पर्सन हु एक्ट ऑन ए स्टेज वो कौन सा व्यक्ति है कौन सा पर्सन है जो स्टेज पे एक्ट करता है ऑप्शन है एन एक्टर पी ए सेलर सो एक्टर इज करेक्ट आंसर सेलर इज इनक्रेक्ट तो सेलर को क्रॉस करेंगे फोर्थ नेम द दॉवर्स सो स्टूडेंट्स आपने वोवर्स सीखे हैं पहले वीडियो में ओके रिमेंबर यस तो हमें वोवर्स को देखना है और उसमें दूसरा ऑप्शन है कॉन्सोनेंट उनको हमें क्या करना है इनक्रैक्ट करना है क्रॉस करना है ए ई आई ओ यू पहला ऑप्शन में वो दी हैं बी में बी डी एफ जी एच ये क्या है कॉन्सोनेंट तो उनको हम क्या करेंगे क्रॉस करेंगे ओके फिफ्थ व्हाट इज अ रेलवे स्टेशन फुल ऑफ व्हाट इज अ रेलवे स्टेशन फुल ऑफ रेलवे स्टेशन में कभी जाते हो ना बच्चों तो वहाँ पे क्या होता है ए फील्ड खेत होते हैं ऑप्शन बी पीपल रेलवे स्टेशन पर क्या होते हैं किस चीज़ से भरा होता है फुल होता है वो पीपल से है ना तो फील्ड इज क्रॉस सिक्स वॉट डू यू वियर ए कोट वॉट डू यू वियर ए रेन कोट आप कपी पहनते हो इन द र बी इन द ट्रेन सो ऑप्शन इज क्रैक कौन सा है इन द रेन तो बी ऑप्शन इज इन द ट्रेन क्रॉस करेंगे ओके सो स्टूडेंट्स राइट इन द नोटबुक नेक्स्ट अरेंज द गिवन वर्ड इन एन अप्रोप्रिएट वर्ड ऑर्डर सॉरी इनको हमें राइट right ऑर्डर में लिखना है ओके okay? अरेंज करना है सुपर ब्रेकफास्ट डिनर लंच सो बच्चों स्टूडेंट्स जब या मॉर्निंग में उठते हो तो क्या करते हो पहले ब्रेकफास्ट फिर लंच फिर सुपर नेक्स्ट डिनर ओके okay? ऐसा आपको सीरियल इनका क्रैक करना है अरेंज करना है ब्रेकफास्ट लंच सब डिनर नेक्स्ट डे मिनट आवर सेकेंड तो सबसे पहले क्या आएगा सेकेंड फिर मिनट फिर आवर फिर डे ओके राइट सेकेंड मिनट आवर डे नेक्स्ट क्लॉथ थ्रेड कॉटन ड्रेस तो सबसे पहले क्या होता है रेडी कॉटन का प्लांट लगाना पड़ता है है ना कॉटन आएगा फिर थ्रेड बनता है धागा बनता है फिर क्लॉथ बनता है और नेक्स्ट लास्ट में ड्रेस बनता है सो so, राइट right करेंगे कॉटन थ्रेड क्लॉथ ड्रेस फोर्थ पेज बुक वर्ड लाइन सबसे पहले क्या रहता है क्या होता है टेल मी स्टूडेंट्स वर्ड फिर लाइन पहले एक वर्ड लिखते हैं फिर लाइंस कंप्लीट करते हैं फिर पेज लिखते हैं फिर बुक रेडी होता है ओके नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के हमें आंसर लिखना है देर आर फाइव लिलीज

सेवन प्लस फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व फ्लावर्स सेकेंड ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटीन और मैनी बच्चों कितने होंगे ट्वेंटी सेवन में से हम लोग सब ट्रैक करेंगे सिक्सटीन माइनस करेंगे सेवन माइनस सिक्स वन टू माइनस वन इज़ इलेवन ओके नेक्स्ट वेयर डज़ द सन राइज सनराइज कहाँ कहाँ पर होता है ईस्ट ई एस टी ईस्ट वॉट इज द मेन बॉडी ऑफ ट्री नोन एस जो ट्री का मेन बॉडी है उसको क्या बोलते हैं ट्रंक टी आर यू एन के ट्रंक ओके नेक्स्ट वॉट इज द टेस्ट ऑफ सी वाटर वॉट इज द टेस्ट ऑफ सी वाटर जो सी वाटर है जो समुन्द्र का पानी है उसका टेस्ट कैसा रहता है खारा रहता है ना तो उसको क्या बोलेंगे सॉल्टी एस ए एल टी वाई सॉल्टी नेक्स्ट विच वन डज हैव व्हील्स बाइक बोट कार्स विच वन डज हैव व्हील बाइक बोट कार मीन्स कौन सी चीज़ है इसमें बाइक बोट कार जिसके व्हील नहीं होते जिसके पहिए नहीं होते क्या चीज़ है बच्चों बोट क्योंकि उसके व्हील नहीं होते तो वो कहाँ चलती है पानी में और बाइक है कार है बाइक के टू व्हील होते हैं टू व्हीलर बोलते हैं कार जो होते हैं उसको फोर व्हील होते हैं उसको फोर व्हीलर बोले हैं इसलिए राइड करेंगे बोट इज सन ए प्लैनट और ए स्टार इज सन और ए प्लानट और ए स्टार सन क्या है स्टार नेक्स्ट वॉट इज अ पर्सन हु राइट्स पोइट्री कार्ड जो पोएट्री है जो पोएम है वो लिखता है उसको क्या बोलते हैं पोइट क्या बोलते हैं पोइट पी ओ टी पोइट नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ द पिक्चर्स पिक्चर्स के क्या लिखने हैं हमें नाम लिखने हैं ओके सो फर्स्ट पिक्चर टेल मी स्टूडेंट व्हाट इज इन दिस पिक्चर क्या है इसमें थी थ्री पिक्चर हैं देखो उनका नाम राइट करना है आपको है हाँ ना सो क्या है ये कंप्यूटर क्या है ये कंप्यूटर नेक्स्ट कोकोनट ट्री नेक्स्ट हॉकी है ना हॉकी बॉल के साथ खेलते हैं ना आप हॉकी स्टिक के और वो बॉल है तो इसको हम लोग हॉकी ही राइट करेंगे कंप्यूटर का स्पेलिंग सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर सी ओ सी ओ एन यू टी कोकोनट टी आर डब्ल्यू ट्री एच ओ सी के ई वाई हॉकी नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग हमें नेम लिखने हैं यहाँ पे क्वेश्चन के फर्स्ट नेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इंडिया का कैपिटल क्या है बच्चों टेल मी ओके डेली डी ई एल एच आई डेली इंडिया की राजधानी क्या है डेली सेकंड नेम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया नेशनल बर्ड का नाम क्या है पिक पी ई ए पी सी ओ सी के पिक थर्ड नेम देल्टर फॉर ए हॉर्स हॉर्स का शेल्टर का नाम बताना है हॉर्स कहाँ रखते हैं हम लोग क्या है स्टेबल एस टी ए बी एल इज स्टेबल फोर्थ वन नेम द मशीन विच शो यू द टाइम कौन सी मशीन है जो हमें टाइम बताती है जिससे हमें टाइम मालूम पड़ता है क्या है वो क्लॉक सी एल ओ सी के क्लॉक ओके नेक्स्ट द करेक्ट पिक्चर इन ईच सेंटेंसेस द करेक्ट पिक्चर इन ईच सेंटेंसेज यहां पर जो पिक्चर करेक्ट है उसको क्या करना है आपको सॉरी उसको क्या करना है सर्कल करना है ओके वी गेट देर आर टू पिक्चर वी गेट ये क्या है कॉटन है और ये क्या है हैमर है फ्रॉम द कॉटन प्लांट वी गेट डैश फ्रॉम द कॉटन प्लांट डैश में दो पिक्चर्स हैं किसको आप आ, सर्कल करोगे क्रैक पिक्चर यहाँ पे बच्चों इस यहाँ पर सर्कल करना था ऐसा वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट तो इसको हम लोग सर्कल करेंगे ओके बी द डैश इज द किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो दिया है और एप्पल दिया है दोनों में से कौन सा किंग ऑफ फ्रूट्स है मैंगो ओके okay? तो मैंगो को सर्कल करेंगे अंडरस्टूड्स? मैंगो किंग ऑफ फ्रूट्स नेक्स्ट गिव द करेक्ट नेम ऑफ द फॉर द थिंग्स फाउंड इन स्कूल इन द्लैंक गिवन पिलो कुछ पिक्चर्स दिए हैं नीचे जो आपको स्कूल में देखने को मिलती है क्लास रूम में मिलते हैं तो उनके हमें नेम राइट करना है नीचे डैश दिए हैं ओके विच इज़ द फर्स्ट पिक्चर क्या है टेलमी स्टूडेंट फर्स्ट पिक्चर इज ब्लैक बोर्ड सो राइट करेंगे ब्लैक बोर्ड का स्पेलिंग

नेक्स्ट बॉटल वाटर बॉटल आप पानी लाते हो ना स्कूल में वाटर बॉटल ओके डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर पी ओ डबल टी एल ई बॉटल नेक्स्ट बैग क्या है ये बैग आपका स्कूल बैग है ओके अंडर स्टूडेंट्स आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो राइट इन द नोटबुक एंड लर्न डू प्रैक्टिस students thank you thank you very much